नमस्ते ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है आफ्टर आवर्स विद बेरीज। बैंक निफ्टी ने आज ये ट्रेंड लाइन अभी तोड़ दी है, और कल तक मेरा स्टैंड बुलिश था, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज होगी। और अगर आप देख सकते हो कि इसके पहले के स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने लिक्विडिटी हंट जैसा एक कॉन्सेप्ट बोला था, और लिक्विडिटी हंट तो ये लेवल वाले लोगों की हुई है। यहाँ पर जो भी बायर्स हुए वो ट्रैप हो गए, और एक बहुत ही 3 आवर्स का फॉल, बहुत ही अच्छे से ट्रेंडी मूव आया ये। वैसे देखने जाए अभी मेरा व्यू बुलिश तो नहीं रहेगा जब तक प्राइस अभी ये लेवल को थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थ्री थ्री वन टू और थ्री, ये 3 बार टच हो गया। अभी ये एक अच्छा खासा लिक्विडिटी हंट भी हो गया। जब तक प्राइस 43,620 के ऊपर नहीं निकलती, मैं बुलिश नहीं होने वाला। और अभी यहाँ पे जो सेटअप बन रहा है, जो मैं देख सकता हूँ, अभी ये लेवल भी क्रूशल था, क्योंकि ये 43,000 साइकोलॉजिकल लेवल था और मार्केट उसके नीचे क्लोज हुआ है। अगर आप देखोगे तो अभी ये एक लेवल भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है ना, जो है 43,190 या 43,200 की। अभी ट्रेड प्लान सीधा सिंपल है। मैंने बोला था ये स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये एक दो और ये तीन पिवोटल पॉइंट, ये तो बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अभी प्राइस अगर इसके नीचे, अभी मुझे मोस्टली लग रहा है कल की एक्सपायरी भी एक थोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, पर मोस्टली मोस्टली ये रेंज ही प्ले आउट होगा इसमें। इसके नीचे निकलती है तो बायर, जो भी बायर्स रहेंगे, वो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग आ सकती है, जो इसको बहुत, मैं मतलब श्योरली इधर का टारगेट दे सकती है, जो है 42,50। मैं ये लेवल कल के लिए मोस्टली ये लेवल जो है, मैं आपको बता के रखता हूँ, 42,820 की लेवल, या 42,800 की लेवल आप बोल सकते हो, 42,800 की लेवल के नीचे, 800 के नीचे क्लोजिंग चालू हुई, तो आई विल लुक फॉर शॉर्ट फॉर अ टारगेट ऑफ ये जोन, विच इज 42,400। उसके अलावा अगर मार्केट अभी ये इतना टाइट रेंज में भी रह सकती है, एक्सपायरी है बोल नहीं सकते, पर मोस्टली इसके अंदर ओपन होना चाहिए। इसके ऊपर भी निकलता है मार्केट तो मैं अल्ट्रा बुलिश नहीं होगा, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अभी। तो ये लेवल के ऊपर हम लोग एक छोटा इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं फॉर फॉर टारगेट्स ऑफ ये 43,480 के। पर हाँ, अभी बायसनेस, क्योंकि ये फॉल अगर आप 30 मिनट्स में देखोगे तो बहुत ही प्यारा ड्रॉप, बेस ड्रॉप है। ये दो सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन ये इधर से ही रिजेक्ट हुआ है, आज मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो देखते हैं ये इसलिए ये लेवल और ये जोन काफी, मतलब ये एक इंट्राडे मूव के लिए श्योरली वर्कआउट कर सकते हैं फॉर आपसे। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, बट ये बहुत, ये क्योंकि इधर ट्रेंड लाइन टूटी है, इधर एक लेवल है, तो अभी देखते हैं। अगर ये टूटता है तो हमें एक डबल कंफर्मेशन मिलता है, मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी को नीचे जाने की, नीचे जा सकती है, पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज विल बी हायर अभी टू गो डाउन। अगर आप डेली में भी देखो तो ये एक ब्रॉडर रेंज, तो ये मदर कैंडल के अंदर ही है इन लोग, ब्रॉडर अगर आप देखोगे तो एक बार ये लो टेस्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, श्योरली हो सकता है। लेट्स सी, मूविंग ऑन टू 1 मिनट, हां ओके, मूविंग ऑन टू निफ्टी। निफ्टी में मैंने कल मेरे जोन्स मार्क थे, यही बोला था मैंने कि ये 18,000 लेवल जो क्रूशल है, ये देखो ये 18,000 है ना, साइकोलॉजिकल नंबर है, तो ये इधर मार्क ही है। उसके नीचे तो अभी आया नहीं है, पर ये जोन अभी इसमें भी अगर आप डेली में देखोगे, ये भी एक एक ये 4 कैंडल्स इन लोग एक एक रेंज में ही है। जो साइड अभी ये तो लग रहा है कभी नीचे बहुत टुवर्ड्स दी लो साइड तो आ गया, और वैसे भी निफ्टी इज इन अ डाउन ट्रेंड। मैंने लॉन्ग के लिए ये लेवल रखी थी कि 18,266 के ऊपर, वो तो गई नहीं है अभी तक। अभी अगर निफ्टी 18,000 के नीचे तो क्लोज होना चालू करता है, तो वी कैन श्योरली सी 17,800। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, इसमें भी 30 मिनट्स में भी अगर आप थोड़ा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें तो ये यहाँ पे भी सेम, देखो ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी साथ में तो चल रहे, विच शोज अ लॉट ऑफ सिनर्जी टुगेदर, है ना। तो ये एक सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं यहाँ से अगर मूवमेंट इसके ऊपर निकलता है तो हम वापस इंट्राडे ट्रेड के लिए, मैं पोजिशनली थोड़ा बुलिश ये लेवल पोजिश देखूंगा कि जब तक 18,000, स्ट्रक्चरली यहाँ से हायर हाई बनने चाहिए, जो अभी की बन नहीं रहे, जो कि इनफैक्ट ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है, तो लेट्स सी, बट लेट्स सी, मतलब ये अभी ये 18,000 का लेवल इज समथिंग बहुत, सबके आईज उधर ही रहेंगे, आंख उधर ही रहेंगे। सॉरी, सो बेसिकली अभी वही करेंगे, मैं 18,000 के
आसपास जो रिएक्शन मिलती है, अगर मुझे हैमर मिल गया तो रिवर्स सेल भी खेल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि ये रेंज अभी भी, ये ब्रॉडर रेंज अगर आपको दिख रही है, ये है, मैं अगर आप सारे ड्रॉइंग्स क्लियर कर दूं तो आपको एक ब्रॉडर रेंज दिखेगी जो कि ये है ना, ये ब्रॉडर रेंज प्ले आउट हो सकती है क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो लेट्स सी, ये मेरे लेवल्स मार्क ट्रेंड देते हैं क्योंकि ये मुझे काम आएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू स्टॉक्स, वे टाटा स्टील ने जो मैं रीटेस्ट बोला था वो आज दिया, पर उसने होल्ड नहीं। अगर आप देखोगे ये रीटेस्ट मैंने मार्क था, प्राइस उसके नीचे क्लोज हुई है। तो अभी मैंने और एक दो सेटअप्स बोले थे इसमें कि ये तो फेल हो गया, इसमें तो स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, तो क्योंकि ये मैंने बोला था वैसे भी इंटरडे ट्रेड है, कोई नहीं, इधर छोटा स्टॉप लॉस था एक आध पॉइंट का गया, ठीक है। अभी वीकली में ये कैंडल, अभी ये देखो, ये दिस इज नॉट अ गुड, मतलब अगर वीकली ये मुझे बुलिश चाहिए, ये अगर इधर वापस यहाँ पे आके क्लोज होती है तो एक ट्रेड जो बन सकता है वो है ये डिमांड जोन का। अभी भी शायद से ये डिमांड जोन, कल शायद से ये डिमांड जोन टेस्ट हो सकता है, यहाँ पे भी एक रिस्की एंट्री हो सकती है विदाउट कंफर्मेशन, क्योंकि आज का फॉल के बाद ये वीकली कैंडल जो फॉर्मेशन हो रहा है वो अभी तक नॉट इन इन लाइन ऑफ द सेटअप, बट आई विल स्टिल लुक एट दिस डिमांड जोन और एक एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक इंट्राडे ट्रेड। तो मैं श्योरली अगर ये मुझे 112, 113, 113 के आसपास मिल जाता है, मैं यहाँ पे श्योरली एक लॉन्ग का अटेम्प्ट करूंगा। दूसरा एक है जेएसडब्ल्यू स्टील, अभी ये दोनों दोनों सेटअप उल्टे हो रहे हैं। अभी ये यहाँ पे मेरी एक प्रोप्राइटरी सिस्टम है जिधर से ये मैं लेवल्स निकालता हूँ, ये अगर आपको ये 752 के आसपास मिले जेएसडब्ल्यू स्टील में तो मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ यहाँ का 752 से 760 तक का स्टॉप लॉस रखूंगा इधर बीच में, और ये मदर कैंडल के लोस वैसे 736 तक का टारगेट रखूंगा शॉर्ट के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा बढ़िया सेटअप है, ये अगर कल वर्कआउट होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं बहुत ही अच्छे से हाईज और लोस पकड़ता हूँ। ये कल वर्कआउट हो जाएगा तो आप खुद भी देख लेना, 752 का लेवल है, 752.75 है, 75 है एग्जैक्ट, क्योंकि मेरे लेवल्स 0.10 पैसे से 0.20 पैसे के एक्यूरेसी में चलते हैं। सो लेट्स सी इफ वी गेट द एंट्री, कल शॉर्ट नहीं करना है, खुलते ही ये अगर ये इधर मिले ये प्राइस पे विच इज 752.75 तो शॉर्ट करेंगे। सीइंग दैट आई थिंक मेरे पास स्टॉक्स में यही था, और एक साथ में ग्रासिम देख रहा था, ग्रासिम में सेटअप है, ये सब मेरा प्रोप्राइटरी सिस्टम नहीं, मेरे स्कैनर चलते हैं तो स्कैनर में से मुझे भी मिलते हैं, ये भी शॉर्ट के लिए है वैसे। ये भी अगर आप देखोगे तो ये मैं 1705 के लेवल पे इसको शॉर्ट करना है, कल अगर ये इधर प्राइस मिलती है तो वही सेम सेटअप रहेगा, स्टॉप लॉस 1710 के ऊपर, 5 रुपए का स्टॉप लॉस फॉर अ टारगेट ऑफ 1688। सो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखो तो यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाई और यहाँ पे ही स्टॉप लॉस, तो ये है रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:2.5, तो 1 रुपए के बदले 2.5 रुपीज का रिवॉर्ड, सो दैट्स अ वेरी 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 गुड सेटअप। ये सेटअप पे ध्यान देना, कल मोस्टली मिल सकती है एंट्री, और मैंने कोई देखा था बस टाटा स्टील और ये, हाँ आई थिंक यही थे। मेटल सेक्टर, मेटल इंडेक्स ने आज अच्छा खासा करेक्शन दिया है आई गेस, यस अच्छा खासा फॉल है इधर, 2-3% का फॉल आ गया है यहाँ पे, बराबर मतलब आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज ये जनरली होता है जब भी लोग, इसलिए हम ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करते और इसलिए हम क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक सप्लाई है, ये है ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो लेट्स सी ये क्लोजिंग अभी वीकली बाकी है, ये पूरी ग्रीन भी बन सकती है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये इंडेक्स और एक आईटी इंडेक्स देख लेते हैं, निफ्टी आईटी क्या कर रहा है। निफ्टी आईटी भी बहुत थक गए लोग, ये कितना, 1-1.5 साल हो गया यही रेंज में, ये ब्रेकआउट पे बहुत जन ऑप्टिमिस्ट हुए थे, पर ये तो यहाँ पे मुझे, मैं भी बुलिश हो गया क्योंकि यहाँ तो ये तो क्लोजिंग के बाद भी अगर आपके साथ इतना नेक्स्ट नेक्स्ट वीकली कैंडल इतना बड़ा रेड बन जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे 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 बड़े ट्रैप्स को आप सिर्फ रिस्क मैनेज करना आना चाहिए कि आपको यहाँ से निकलना ही निकलना है। ये इसने दूर पूरे 2 वीक की कैंडल 1 वीक ने एंगल्फ कर दी, यहाँ पे मैं भी आईटी स्टॉक्स में एंटर करना चालू कर दिया था, बट आई हैव टू अगेन एग्जिट। मेरे पास ईटीएफ्स भी है पर ईटीएफ्स तो मैं रखूंगा कि आईटी सेक्टर आई आई डोंट सी एज अ होल गोइंग डाउन, एंड इवन इफ इट गोज डाउन आई एम वेरी बुलिश ऑन द इंडियन आईटी सेक्टर, सो आई हैव नो प्रॉब्लम। यू यू गाइस कैन ऑल्सो राइट नाउ ऑल्सो इफ समबडी हैज अ लॉन्गर होराइजन, सेक्टरल ईटीएफ्स आर द बेस्ट, इस पे भी एक वीडियो बनेगा। हम इंडिया में सेक्टरल ईटीएफ्स का यूज बहुत कम है, मैं मेरे फैमिली फ्रेंड्स को बहुत
बहुत ये जो है ETFs को प्रमोट करते रहता हूँ। और ये अगर आपको बहुत पैसिव और स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग करना है और सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, आप अब्रॉड के ETFs भी खरीद सकते हो, तो ETFs और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बट इन सिंपल आप बेसिकली पूरा इंडेक्स खरीदते हो, तो आपका एक्सपोजर पूरा सेक्टर के सभी स्टॉक्स आपको आ जाते हैं और एक फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस में। सो ETFs आर समथिंग यू गाइस शुड रियली इन्वेस्ट। निफ्टी ITBs, निफ्टी बीज, जूनियर बीज, बैंक बीज, ऐसे बहुत है। तो आप US के भी ETFs खरीद सकते हो अगर आपको ये करना है, पर मैं इंडियन मार्केट पे बहुत बुलिश हूँ, तो आई विल ओनली बाय द इंडियन ETFs। कमिंग ऑन टू दैट, आई थिंक इट्स टाइम टू रैप अप। प्लीज प्लीज, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, आपके ट्रेडर कम्युनिटी एंड इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के साथ। थैंक यू सो मच।